गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, जब भी आप अपनी फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट, तो ऐसा कुछ लिखा आ रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो दरअसल जब भी आप फाइल को डाउनलोड मतलब अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो आप डायरेक्ट फाइल को अपने जो अपना एडोब या डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है, उससे आप यहाँ पे फाइल को क्रिएट करने के बाद उसको अपलोड करने की कोशिश करें। पर यहाँ ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपने गूगल ड्राइव में फाइल यहाँ से अपलोड कर रहे हो, तो जिसके कारण यहाँ पर लिखा आ रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। तो दरअसल कभी कभी जो ऐसे ऐप होते हैं वो परमिशन नहीं देते हैं कि फ़ाइल अपलोड करने की डायरेक्ट गूगल ड्राइव में, तब ये प्रॉब्लम आती है। मुझे भी इस सेम प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, इसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमें यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। तो मुझे सेम प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने क्या करा, मैंने अपना जो फाइल अपने एडोब जो ब्राउज़र है उससे अपलोड नहीं करके, मैंने सीधा अपना गूगल ड्राइव वाला ब्राउज़र ओपन करा। और गूगल ड्राइव वाला ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो भी फाइल है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट वहाँ से अपलोड कर देनी है। तो गूगल ड्राइव से अपलोड देख, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल ड्राइव ऐप है उसको ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन देखेगा अपलोड का, तो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ से फाइल को अपलोड कर देना, और आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे।